तो गाइस आज जो है मैं लगाने वाला हूँ 5 लाख एमरल्ड ब्लॉक्स एंड बनाने वाला हूँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा बीकन। एंड गाइस इस वीडियो को बनाने मेरे को 6 महीने लग गए थे, तो अगर आप इंजॉय करो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड तो गाइस इस स्टोरी को अच्छे से जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 9 महीने पीछे। डेट है 24 फरवरी 2022 एंड इस दिन जो है मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जो था पार्ट वन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एंड ये वीडियो थी जिसमें मैंने 256x256 का एरिया क्लियर करा था। एंड इस वीडियो को रिलीज करते ही मेरा जो है इस प्रोजेक्ट को लेके सारा मोटिवेशन जा चुका था, बिकॉज इतने से एरिया को क्लियर करने में मेरे को 2 हफ्ते लग गए थे और अभी जो है मेरे को इससे 5 गुना ज्यादा एरिया क्लियर करना था, प्लस 5 लाख एमरल्ड ब्लॉक्स भी जो है कलेक्ट करने थे। एंड इसके बाद जो है मैंने 6 महीने तक कुछ काम नहीं करा इस प्रोजेक्ट पे, लेकिन 3 महीने पहले मैं अपनी मोटिवेशन को वापस लेके आया इस प्रोजेक्ट के लिए। बट अब जो है मैं बहुत सॉलिड प्लान चाहिए होगा अगर इस प्रोजेक्ट को मेरे को साल के एंड होने से पहले जो है खत्म करना है तो। एंड मेरे पास जो है एक सॉलिड प्लान है, हमें चाहिए गाइस मिलियंस ऑफ एमरल्ड जिन्हें जो है बाद में कन्वर्ट करेंगे 5 लाख एमरल्ड ब्लॉक्स। बट ये करने के लिए सबसे पहले हमें एक सॉलिड फार्म ढूंढना पड़ेगा। तो काफी देर तक सर्च करने के बाद जो है मेरे को फाइनली एक जो है एमरल्ड फार्म मिला जो कि था ये काउ किंग का डिजाइन। एंड बस अब कुछ नहीं करना था मेरे को, जो है इसको अपने वर्ल्ड में बनाना था, तो जल्दी से वो कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, हमारे पास फार्म तो अब आ चुका है, इसका मतलब कि एमरल्ड्स की तो अब कोई कमी होने नहीं वाली। अब जो आता है प्लान में स्टेप नंबर 2 जो कि है ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है हम रिमूव करने वाले हैं 100 मिलियन ब्लॉक्स को। एंड या अभी तक जो है सिर्फ 20 मिलियन ब्लॉक्स को रिमूव कर पाया, एंड उसको मेरे को 2 हफ्ते लग गए थे करने में। एंड इतने सारे ब्लॉक्स को करने के लिए जो है मेरे को कुछ ना कुछ लाइक मशीन ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, एंड मेरे को मशीन मिल भी चुकी है। तो गाइज ये देखो, ये रही वो मशीन, इसे कहते हैं वर्ल्ड ईटर। बट इसको बनाने के लिए हमें जो है बहुत सारे मटेरियल चाहिए होंगे, तो सबसे पहले अपने वर्ल्ड में चलते हैं, वहां पे जाके इसके सारे मटेरियल्स कलेक्ट करते हैं। गाइस इसी के साथ में सारे मटेरियल भी कलेक्ट हो चुके हैं, तो अब जो है हम रिमूव कर सकते हैं 100 मिलियन ब्लॉक्स बिना किसी दिक्कत के। बट एक और चीज है, मैं 100 मिलियन ब्लॉक्स एक्चुअली ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूँ इन 2 वीडियोस में जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, तो इन दोनों वीडियोस आप जाके देख सकते हो। इसके अंदर हमने 100 मिलियन ब्लॉक्स कर लिए। एंड इसके साथ में आप देख सकते हो खाली एरिया यहाँ पे हमारे पास आ चुका है। बस हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एमरल्ड ब्लॉक्स लगाने, लेकिन उसके लिए एमरल्ड ब्लॉक्स होने भी तो चाहिए। ओके, आई मीन एमरल्ड ब्लॉक्स तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास 50,000 है ना कि 5 लाख। तो यार अभी जल्दी जो है अपने फार्म पे आए हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो काफी सारे शल्कर बॉक्सेस बना लेते हैं और इन सारे चेस्ट को पहले शल्कर बॉक्सेस से भर देते हैं। एंड यार गाइस देखो, यहाँ पे मैंने सारे शल्कर बॉक्सेस जो है डाल दिए हैं यहाँ पे चेस्ट वगैरह में, देख सकते हो। अब जल्दी से जो है यहाँ पे AFK करते हैं, एंड तो आपको मिलता है यहाँ पे गाइस 50 आवर्स के AFK के बाद। ऑल राइट गाइज, 2 दिन से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, मेरे लेवल्स देखो। एंड भाई यहाँ पे देखो भाई, एमरल्ड जो है कितने भर चुके हैं, लाइक सारे चेस्ट जो तुम मेरे पीछे देख रहे हो सब भरे हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देता हूँ, एंड इन सारे को है देखो भाई, तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये देखो कितने सारे भरे पड़े, जल्दी से लो इन सबको। एंड भाई यहाँ पे जितने भी तुम्हें ये दिख रहे हैं ना सारे के सारे, इनको जो जल्दी से मैं ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एंड तुम्हें जो है फिर मिलता हूँ मैं अपने एमरल्ड बीकन पे। एंड भाई देखो, यहाँ पे मैं जो है ले आया हूँ सारे के सारे एमरल्ड ब्लॉक्स, सारे सारे जितने बक्से तुम्हें दिख रहे हैं सब के सब जो है इनमें एमरल्ड के ब्लॉक्स भरे पड़े हैं, तो इनको अभी लेके चलते हैं। एंड गाइस फाइनली आफ्टर सो मेनी मंथ्स, तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट आउटलाइन इस हमारे प्रोजेक्ट की। भाई साहब ये एरिया देखो कितना बड़ा है, मैं बीच में खड़ा हूँ फिर भी जो है मैं हर एक चीज़ को रेंडर नहीं कर पा रहा हूँ, लाइक मैं 32 चंक्स पे हूँ फिर भी देखो कॉर्नर्स भी रेंडर नहीं हो रहे हैं। बट एनीवेज ये सब तो छोड़ो, अभी जो है गाइस देखो मैंने फर्स्ट जो लेयर है हमारी एमरल्ड बीकन की, तो आज डेट है 11 नवंबर 2022। आई डोंट नो ये वीडियो कब आएगी, बस इस पे जो अभी मैं काम करना स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइस अब मैं जितने भी सारे आपको एमरल्ड दिख रहे हैं मैं यूज़ करने वाला हूँ इस फर्स्ट साइड पे, तो यहाँ पे जो है गाइस एमरल्ड लगाना स्टार्ट करते हैं। बट मेरे को ये डर लग रहा है कभी एमरल्ड्स यहाँ पे ना इस साइड के अंदर ये साइड कंप्लीट होने से पहले ही खत्म हो जाए, बिकॉज अगर वो हुआ तो मेरे को और ज्यादा AFK करना पड़ेगा, मतलब और ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा मेरे को मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट करने में, जो कि मैं नहीं चाहता। बट या एनीवेज, अब हम डर तो नहीं सकते हैं, प्रोजेक्ट पे हाथ लगा ही दिया, अब तो इसको कंप्लीट करके रहेंगे। तो ऑलराइट लेट्स गो। माय
माई गॉड गाइज, दिस इज अ रियली हार्ड प्रोजेक्ट। आज जो है डेट है 12 नवंबर एंड अभी तक सिर्फ इतना सा कम्प्लीट हुआ है, दैट इज लाइक 10% ऑफ दिस एमराल्ड बीकन, नॉट इवन 10%, लाइक 7-8%। बट या इट इज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल यार, तुम देख सकते हो भाई, देखो कितना कूल लगता है। और अभी तो लाइक भाई कम्प्लीट भी नहीं हुआ और अभी से देखो कितना ज़्यादा कूल लग रहा है। तो एक दिक्कत है, वो है स्पीड, यानी कि जिस मेरे को लगता है कि जितनी फास्ट मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं इससे भी ज़्यादा फास्ट कर सकता हूँ। तो इधर गाइस मैंने कुछ क्रिएटर से बात करी एंड सबसे पहले जो है मैंने क्या करा, मैंने इसका एक लाइट मैटिका बना लिया जो कि बेसिकली होलोग्राम होता है एक सर्टेन स्ट्रक्चर का माइनक्राफ्ट में, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बना रखा है। एंड इससे क्या होता है, इससे देखो मैं ब्लॉक्स बहुत ईजिली प्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हो। प्लस जो है मैंने वुनबा से बात करती एंड उसने मेरे को एक ट्रिक बताई जो कि उस सीक्रेट ट्रिक के लिए मेरे को स्पीड टू पोर्शन एंड मेरे को एक हॉर्स लगेगा। ऑलराइट, सो सबसे पहले यहाँ पे जो है स्पीड के पोर्शन बना लेते हैं। तो गाइस हॉर्स वाली ट्रिक करने से पहले मैं जो है स्पीड का पोर्शन अपने आप ही ट्राई करना चाहता हूँ कि लाइक क्या ये मेरे को फास्ट बनाता है, बिकॉज या एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट मैटिका लोड करते हैं एंड यस, मैंने इसका नाम बिग बॉय 2 रखा है, आई डोंट नो व्हाई इट इज अ बिग बॉय दो। ओके गाइस, तो ये पहले अगेन गाइस, दिस इज अ होलोग्राम, ये कोई रियल ब्लॉक नहीं है तो मैं जो मेरे पीछे दिख रहा है। अब मैं स्पीड 2 का पोर्शन पीता हूँ, मैं जो है ईजी प्लेस को ऑन करता हूँ। अब जो है देखते हैं क्या ये थोड़ा फास्ट है। एक्चुअली वेट, मैं पहले भी स्प्रिंट जंप कर रहा था और अभी भी स्प्रिंट जंप ही कर रहा हूँ, सो अगर मैं चलता हूँ तो आई डोंट थिंक सो इतना कोई डिफरेंस है। तो गाइस इसके बाद मैंने रिसर्च करी तो मेरे को एक चीज़ पता चली, अगर मैं स्पीड 2 का पोर्शन पी के चलूंगा, उसकी जो स्पीड है वो एग्जैक्टली बराबर है नॉर्मल स्प्रिंट जंपिंग के। अगर मेरे पास पोर्शन का इफेक्ट है तो वो वर्क नहीं करेगा इतना खास अच्छे से, बट अगर वो पोर्शन का इफेक्ट एक हॉर्स के ऊपर है तो बात जो है डिफरेंट है, तो मैं दिखाता हूँ। ऑलराइट गाइस, सबसे पहले तो है मेरे को इस ट्रिक के लिए घोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तो सबसे पहले कोई घोड़ा ढूंढते हैं भाई आसपास कहीं पे दिख जाए। वैसे यहाँ पे स्पॉन तो होते हैं बहुत घोड़े, तो मिल जाएगा काफी आसानी से। तो गाइस इतना मैं घोड़ा ढूंढ रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज लाइक कर देना, बिकॉज इस वीडियो में बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी एंड दैट्स इट, आई अप्रिशिएट इट। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे हॉर्स मिल चुका है और भाई तुम मेरे को ही क्यों मरवा रहा है, आराम से। ओके तो गाइस यहाँ पे इसको हमने टेम भी कर लिया है, अब जो है इसको लेके चलते हैं। बट अभी इसको मैं नीचे कैसे उतारूं बिना मरे। ऑलराइट गाइस, चलते नीचे भाई, घोड़ा जी प्लीज मर मत जाइयो। ओके आराम से। अरे बच गया, मेरे को लगा था मर जाएगा। ओके आराम से मेरे को नीचे उतर। भाई ये तू ऐसे क्यों जा रहा है ऊपर? अबे एक सेकंड, घोड़े कब से तैरने लग गई, ऊपर कैसे जा रहा था? ऊपर जा रहा है भाई, व्हाट द हेल। ओके अभी इधर कॉर्नर में आ चुका हूँ मैं, आराम से भाई अपनी हेल्थ फुल करो और आराम से। ओ भाई बच गया। एक सेकंड, नीचे तोड़ते, आई थिंक हम ऐसे भी तो जा सकते। ओ माय गॉड, अरे ऊपर चलो पकड़े से। यस आराम से वैसे नीचे चलते हैं एंड तो हम जो है यस आराम से आई थिंक थोड़ा सा डैमेज तो ले सकता हूँ। यप। तो गाइज हमने जो है इसको सेफली, भाई साहब कितने हमने सेफली इसको अराउंड 180 ब्लॉक्स नीचे लेके आ चुके हैं। अब भाई साहब बात ही आती है हमारे एक्सपेरिमेंट को करने की। ऑलराइट, तो अभी जो है मेरे को स्पीड पोर्शन मारना है और ध्यान रखना है कि मेरे पास स्पीड का इफेक्ट ना ये सही है, क्योंकि अगर स्पीड का इफेक्ट मेरे पास आता है तो टाइम स्प्लिट हो जाता है। ऑलराइट, एंड मेरे पास एमराल्ड ब्लॉक्स भी आई थिंक होंगे। एमराल्ड ब्लॉक्स ओके, लगाते हैं एंड चेक करते हैं स्पीड। Oh my god, look how fast this is. Oh bhai sahab. Oh my god. Arre bhai sahab. Guys, this is really fast. अभी मैं कर रहा था जब टेस्टिंग, इजीली डबल स्पीड है और ये क्या हुआ? या शिट, मेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए लोल। बट एनीवेज, ओ भाई देखो दिस इज रियली फास्ट। ओके मैं इसके साथ थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करता हूँ और आपको थोड़ा टाइम बाद मिलता हूँ, देखते हैं कि हम इसको परमानेंटली कर पाएंगे या नहीं। या गाइज मैंने एक्सपेरिमेंट करे बट या नहीं चलेगा, इसलिए मैं अपने घोड़े को जो है यहाँ पे कैद कर रहा हूँ एंड मेरे को ताकि पता रहे कि ये यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे जो है डायमंड डोर लगा देता हूँ। एंड या तो बेसिकली हुआ क्या था, मैं जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा था और जब मैं अपने शल्कर से ब्लॉक्स दोबारा ले रहा था, रीफिल कर रहा था अपनी इन्वेंटरी को, तब जो है घोड़ा लाइक नीचे कूद मार जाता था, तो बहुत अनोइंग था। इतना ज़्यादा फालतू दिमाग खराब करने के बजाय मैं आराम से कर लूंगा इसको, बिकॉज या मेरे को लगता है घोड़े को ऊपर नीचे लेके आने में ज़्यादा टाइम लगेगा। बट या एनीवेज गाइस, लगते हैं आप दोबारा काम पे। ऑलराइट गाइस, तो हमने जो है सेकंड साइड को भी जो है कंप्लीट कर दिया इधर। तो अभी जो है मैं गाइस सारा बीकन नहीं जा रहा हूँ, लाइक सारा बीकन ऊपर तक नहीं बना रहा हूँ हर साइड में, तो अभी छोटी छोटी साइड में ले रहा हूँ। सो या अभी जो है ये साइड भी गाइस कंप्लीट हो चुकी है, अभी ये दो साइड रहती है। सो आई डोंट थिंक सो, अभी मेरे पास और कुछ कहने के लिए भी है, तो गाइस चलिए बस लगते हैं काम पे। और क्या कुछ नहीं ब्रो, बस दारू पानी लेके जा रहा हूँ अपनी लंबी एमराल्ड की ट्रिप के लिए। या आई नो थोड़ा कंजस्ट था।
बट गाइज अब बातें बहुत हो गई, अभी जो बाकी की दो साइड्स बचती उनको भी कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो बस ये जो है साइड की ये ऊपर वाला हिस्सा रह जाता है क्योंकि बाकी सब जो है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। एंड दिक्कत यहाँ पे हो चुकी है, जो हमने शल्कर बॉक्स स्टार्टिंग भरे थे एमरल्ड ब्लॉक्स के, वो सब खाली हो चुके हैं। तो अभी जो है बेसिकली मेरे को काफ़ी देर तक AFK करना पड़ेगा भाई उस फार्म पे। ओह माय गॉड, अभी जो है गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। टुडे इज़ लाइक व्हाट 20 नवंबर, मैं काफ़ी 10 दिन से अराउंड इस पर अभी काम कर रहा हूँ मैं, और बाकी वीडियोज़ बीच में भी रिलीज़ करनी है। दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है। लाइक देखो सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है यार। ओह माय गॉड, एंड अभी थंडरस्टॉर्म भी आ चुका है। वेट व्हाट, थंडरस्टॉर्म भी आ चुका है। एक सेकंड, थंडरस्टॉर्म आ चुका है। वेट, जल्दी मेरे को ट्राइडेंट लेना है, मेरे को मोब हेड्स भी चाहिए यार, मेरे को मोब हेड्स चाहिए। जल्दी। ओ भाई चलो जल्दी चलो मेरे को यहाँ पे, अरे जल्दी चलो मेरे को यहाँ पे, ये मिल गया भाई साहब एक, ओके ये रहा। चलो मेरे को एक ज़ॉम्बी मिलेगा, मेरे को ज़ॉम्बी हेड मिल सकता है। आजा जल्दी। एंड अभी जो है देखो मेरा, अबे मैं मार दिया मैंने उसको, व्हाट द हेल यार। एंड अरे यार थंडर स्टॉर्म भी चले गया, व्हाट द हेल भाई, दिन ही खराब है आज का तो यार। ओ माय गॉड, तो गाइस इसके बाद जो है मैं शल्कर बॉक्सेस के लिए पेड़ काट रहा था, एंड मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा घबरा रहा था बिकॉज मेरे को डर लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या होगा, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। एंड आई डोंट नो, बस मैं लाइक मिक्सड इमोशंस थे मेरे इस प्रोजेक्ट को लेके, बिकॉज ये आज तक इतना प्रोजेक्ट में किसी ने मैंने टाइम नहीं लगाया जितना इस प्रोजेक्ट में लगाया। एंड आई डोंट नो कि मेरे को लग रहा था कि साल के पहले कब तक कंप्लीट ना हो पाए, लाइक बहुत सारा थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे, बट मैंने फिर भी अपने आप को काम एंड कलेक्टेड रखा। एंड बस जो है अब इसके बाद जो है मैंने अपने शल्कर बॉक्सेस वगैरह भरे, एंड मैं AFK करने लग गया फार्म पे बिना कुछ सोचे ज्यादा। ऑलराइट गाइस, तो 60 आवर्स समथिंग, आई डोंट नो लाइक 70 आवर्स कुछ हो चुके हैं। एंड मैंने स्टोरेज सिस्टम को भी जैसा आप देख सकते हो बड़ा करा भाई, इधर से जो मैंने शल्कर का जो सिस्टम था उसको बड़ा करा इसके अंदर जो है। एंड अगर मैं नीचे आऊँ तो भाई ये देखो, इस ये जो था यहाँ पे था, एंड इसके नीचे मैंने और बड़ा करा है सिस्टम को। अभी इसके अंदर कम, ओके दोबारा से भर गया। ओ भाई साहब मैंने सबको खाली करा, दोबारा से भर गया ये। ऑलराइट, मतलब काफ़ी सारे तो इनमें से भाई निकाल लिया, ऊपर तक भरे थे मैंने निकाल के सबको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर लिया, तो मैं अभी जाके दिखाता हूँ वो। ओ गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, ये देखो भाई साहब मैंने क्या करा यहाँ पे। यस ये सब के सब शल्कर बॉक्सेस, यस ऑल ऑफ देम, ये सब के सब भरे हुए हैं एमरल्ड ब्लॉक से। ओह माय गॉड, एंड मेरी XP देखो ऑलमोस्ट लाइक 3100 होने वाली है भाई साहब, दिस इज एक्चुअली क्रेजी। चलो ठीक है, अब मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करता, जल्दी से गाइस इन एमरल्ड्स को जो है गुड यूज पे लगाते हैं। एंड या यू गाइस एंजॉय द टाइम लैप्स। मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये बीच वाला एरिया मैंने खाली क्यों करा, बिकॉज वो अंदर से वैसे भी खाली रहने ही वाला है, और मैं साइड का एरिया खाली कर सकता था जहाँ पे मैं एमरल्ड्स लगा रहा हूँ। हाँ ये पहले क्यों नहीं सोचा भाई, इतना टाइम बच जाता। ऑल राइट गाइज, देखो यहाँ पे हमने जो है ये भी कंप्लीट कर लिया है, मिडल वाला पार्ट भी, अब टॉप का पार्ट रहता है। एंड ऑल्सो गाइज ऑलमोस्ट सारी टाइम लैप्स दिखाई, जो टाइम लैप्स मैंने बीच में मिस करी है वो मैंने लाइव स्ट्रीम पे करा था, तो मैंने लाइव स्ट्रीम पे 20 बीकन का काम करा था 24 आवर की जो लाइव स्ट्रीम करी थी। सो एनीवेज देखो भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। ओ भाई साहब, तो गाइज अभी चलो जो है आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, हम करते हैं 1 लास्ट टाइम लैप्स एंड कंप्लीट करते हैं इस एमरल्ड बीकन को, जो भाई साहब 6 महीने से वर्क्स में। आई एम सो हैप्पी टुडे, अगर ये हो गया तो ओ भाई साहब। ओके भाई, वो डेफिनेटली लास्ट टाइम लैप्स तो नहीं थी, मैंने जो है डेफिनेटली वो करा, इसको अंडर एस्टिमेट करा प्रोजेक्ट को, बिकॉज मेरे जो है एमरल्ड जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे सारे, मैं ले आया हूँ बट ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे। एंड अभी जो है टॉप का जो है पार्ट रहता है, एंड मैंने अभी जो है अपनी देख सकते हो FOV को क्वेक प्रो पे कर रखा है, एंड भाई तब जाके थोड़ा एमरल्ड बीकन मेरी पूरी स्क्रीन पे फिट हो रहा है, वरना फिट ही नहीं होता अगर मेरी FOV कम होती। ओ भाई साहब, तो यार गाइस अब पक्का 100% ये है 1 लास्ट टाइम लैप्स इस वीडियो की, तुम इन्जॉय करो। एंड अब फिनिश करते हैं हमारे एमरल्ड बीकन को, लेट्स गो। ओ
ओके गाइस, वो मोमेंट आ चुका है जिसका सब वेट कर रहे थे पूरी इस वीडियो में। ऑल राइट, तो अब जो है लगाना स्टार्ट करते हैं हमारे बीकन के ब्लॉक्स जो कि मेन है। एंड प्लीज कमेंट में ये मत कह देना कि इसको अंदर से पूरा भरो, बिकॉज मैं नहीं भरने वाला। प्लीज लीव मी अलोन भाई। आई एम गोइंग टू टेक सच अ गुड ब्रेक आफ्टर दिस प्रोजेक्ट भाई साहब। ओ माई गॉड, ओके लास्ट थर्ड लेयर। ओ भाई, एक सेकंड, आराम से लास्ट थर्ड लेयर। ओके लास्ट सेकंड लेयर। ओ माय गॉड, मैं रो दूंगा भाई। ओ माय गॉड, ओके लास्ट थर्ड लेयर। एंड गाइस लास्ट लेयर, ओ माय गॉड। एंड इसी के साथ में यहाँ पे एक बार लगा के देख लेते हैं, इसके ऊपर कोई ब्लॉक नहीं लग सकता। वी आर एट द बिल्ड लिमिट। अब तोड़ के यहाँ पे लग चुका है गाइस। लगा दें बीकन को। Yes, 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 it is time. After so many months, so much hard work. Oh my god, this project is complete. Yes, bhai saab, guys, we have done it. World's largest emerald beacon, jiska record ab India ke paas hai in hardcore Minecraft, jahan pe main mar sakta tha kisi bhi move mein, but I didn't. Guys, we did it. Guys, we did it. And guys, I hope you enjoyed. अगर आपको एक और कमाल वीडियो देखने तो आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी, बहुत मजा आएगा आपको वीडियो देखे, जाके देखो। एंड मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय बॉयज एंड गर्ल्स।